नमस्कार, मैं हूँ लाइजू एलियास। स्वागत है आपका मोजो एंड मी का एक और एपिसोड में। पिछले एपिसोड था टोबो हिल टॉप का, उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोबो हिल टॉप पे कुछ समय बिताने के बाद मैं निकला गुड़कमले लेक की ओर। ये दोनों जगह आपस में 16 किलोमीटर की दूरी पर है। गूगल मैप में जो लोकेशन दे रखा है काफी एक्यूरेट। रोड कंडीशन की बात करें तो टोबो हिल टॉप से गुड़कमले लेक की ओर जो रास्ता है वो काफी अच्छा रोड है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया से निकलती है तो स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, और वीकेंड है तो रोड पे साइक्लिस्ट भी मिलेंगे। जब फॉरेस्ट एरिया खत्म होके नारियल के पेड़ दिखने लगता है तो समझ जाइए आप पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे कोई डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस है नहीं, लेकिन रोड साइड में कहीं भी पार्क कर सकते हैं। मैंने अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा ब्लू वाटर देखा हूँ INS विराट के डेक से, तो इसलिए मुझे लगा कि ब्लू वाटर देखने आ रहा हूँ तो विराट का टी शर्ट ही पहनूँ। INS विराट सिर्फ एक शिप नहीं है, वो एक फीलिंग है। शायद इसीलिए इंडियन नेवी छोड़ने के 5 साल बाद भी मैंने ये टी शर्ट प्रिजर्व करके रखा हुआ हूँ। अब आप लोगों को शायद ये पानी ग्रीन दिख रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी ब्लू है, तो मुझे लगा कि आज ये टी शर्ट पहन लेना चाहिए। अब देखते हैं लेक का डेप्थ क्या है। पता नहीं कितना डीप है, क्योंकि रोड लेवल से इतना ऊपर है तो शायद होगा 20-25 फीट तो नीचे होगा ही। अब देखते हैं, पता चल जाएगा। हाँ 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 नीचे नहीं पहुंच पाया। बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट के अनकल तालुक के एक छोटा सा गांव है गुलकमले, और ये जो लेक है एक आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, एक मिट्टी का बांध बना के पानी को रोका है एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए। दो पुल बनाया हुआ है इस पर, देखिए एक पीछे भी दिख रहा है, एक ये है, और ये पुल में शटर लगाया हुआ है नीचे, तो शटर खोल के पानी सिंचाई के लिए यूज़ होता है। बेंगलुरु सिटी में काफ़ी सारे लेक्स हैं, लेकिन शायद वो सब पोल्यूट होने की वजह से
जितने माइग्रेटरी बर्ड्स है वो सब ऐसे सिटी के बाहर जितने लेक्स है वहाँ आते हैं। अगर आपको बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट है आप सुबह सुबह यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। पानी ठंडा है, काफ़ी डीप है, जिनको स्विमिंग नहीं आता है वो मत कूदिएगा। इस लेक के करीब 2-3 किलोमीटर के अंदर एक और टूरिस्ट स्पॉट है जो है तोटिकलू फॉल्स। वो एक सीजनल वाटरफॉल है, अगर आप मार्च अप्रैल के महीनों में जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा, ओनली मानसून सीजन में वहाँ पानी मिलता है। और एक और बात, अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तोटिकलू फॉल्स को बंद कर रखा है। वो एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, लोग वहाँ जाके दारू पी के प्रॉब्लम करते हैं, तो फिर वो बंद है अभी। ये ट्रिप मैंने किया था 14 मार्च 2021 को, सुबह 5:45 घर से निकला था। उसके बाद मैं 6:30 बजे सनराइज़ देखा, फिर टोबो हिल टॉप पे, फिर वहाँ पे चाय बना के पिया, उसके बाद निकला गुलकमले लेक के लिए। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को ऐसा दबा दीजिएगा कि स्क्रीन फट जाए। बाय बाय।